नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन हैबिटेट सेंटर पर, जहां पर बता दें कि यहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद हैं और बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है और किस तरीके से महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया जाएगा और महिलाओं में इसको लेकर कितना उत्साह रहेगा, ये चलिए देखते हैं। दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल और DCW के चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल ने किया। इस खास मौके पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान CM ने तमाम महिलाओं को सम्मानित किया, साथ ही 100 महिला और पुरुषों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने महिलाओं की मदद की है। साथ ही भारतीय वायु सेना के वीर सैनिकों को भी अवार्ड देकर नवाजा गया। भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, सीमा सड़क संगठन, इसरो, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे। इस दौरान दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साल में 365 दिन महिलाओं के लिए है और महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक खास दिन है। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम में 104 साल और 106 साल की महिलाओं को भी सम्मानित किया। वैसे तो 365 दिन ही महिलाओं के होते हैं, आप किसी भी शादीशुदा पुरुष से पूछ लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक स्पेशल दिन होता है। दिस इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन पावर। और इस हॉल में आने के बाद अभी तक की पिछले मैं एक घंटे की जितनी भी कार्रवाई देखी, उस कार्रवाई को देखने के बाद लगता है कि इट इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन पावर। वो कहावत कितनी सही है, एक 104 वर्ष की महिला है, 106 वर्ष की महिलाएं हैं और 21 अवार्ड लेके आई हुई हैं, तो हमें लगता है हमने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। सबको मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, उनके हौसले को सलाम करता हूँ और उन सबसे प्रेरणा लेनी है और सीखना है उन सब लोगों से। मैं DCW को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से DCW ने, जब से स्वाति मालेवाल जी अध्यक्षा बनी है, उन्होंने ये अवार्ड का सिलसिला चालू किया। पहले एक छोटी शुरुआत थी, अब धीरे धीरे बनते बनते ये देश में बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड बन गया है कि लोगों को चाहत होती है कि हमें भी ये अवार्ड मिले, तो ये बहुत अच्छी बात है। बसों के अंदर हमने मार्शल्स लगाए थे महिलाओं की सेफ्टी के लिए और पिछले दिनों में मैं काफ़ी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी महिलाएँ उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं कि किस तरह से पहले बसों में चढ़ना और बसों में सफ़र करने में वो हिचकिचाया करती थी, क्योंकि कोई लोगों को तंग करते थे, छेड़ते थे, गलत तरह से टच करते थे। अब वो सिलसिला जैसे कोई करता है तो वो मार्शल की मदद लेती हैं, कोई चोरी होती है छोटी मोटी मार्शल की मदद लेती हैं। हर बस के अंदर बस मार्शल्स होते हैं जो कि मैं खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसी भी अपराध के लिए वहाँ मौजूद होते हैं और कई सारे बस मार्शल्स ने इस दौरान महिलाओं की मदद की है। अंदर अब कोने कोने में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और पिछले 5 साल के अंदर जितने बड़े स्केल पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पहले दिल्ली में हार्डली आपको कहीं CCTV कैमरे मिलते थे, लेकिन अब आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि पूरी दुनिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सबसे ज्यादा CCTV कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क से भी ज्यादा, टोक्यो से भी ज्यादा, पेरिस से भी ज्यादा, लंदन से भी ज्यादा, पूरी दुनिया में कोई शहर उठा दो, सबसे ज्यादा CCTV कैमरों की नेटवर्क, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क दिल्ली के अंदर है। और इससे भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी महिलाएं असुरक्षित हैं। सारे एफर्ट्स के बावजूद महिलाएं असुरक्षित हैं और हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पिछले दो दिन के अंदर खासतौर मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कई वीडियोस चल रहे हैं
जहां होली के दौरान किस तरह से कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की होली का बहाना बना के। मैं समझता हूं कि अगर हमें महिलाओं को सुरक्षा देनी है या महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना है तो उसमें DCW का भी काम है, पुलिस का भी काम है, सरकार का भी काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम तो समाज का काम है। जब तक समाज साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक एक एक आदमी इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा कि जो भी सड़क पे महिला चल रही है, जो भी समाज के अंदर महिला है, उनकी सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी है, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। महिलाओं को सुरक्षा देनी नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा महसूस करानी है। जब तक महिला सड़क पे खुलेआम जब घूम रही है और वो सुरक्षित महसूस नहीं होगी, तब तक सारे तामझाम और सारे इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसे हमें जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, समाज की सोच बदलनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। पिछले दिनों एक अच्छी चीज हुई है। पहले गरीब आदमी जो होता था, हमारे समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी है, अभी भी घर परिवार में लड़कियों को लड़कों से कम तवज्जो मिलती है। तो अगर किसी घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और पिताजी के पास पैसे कम हैं, तो लड़के को कोशिश करके प्राइवेट स्कूल में भेजते थे पहले, और लड़की को सरकारी स्कूल में भेजते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल में पैसे नहीं लगते थे, प्राइवेट स्कूल में पैसे लगते थे, उसको पैसे से पढ़ाते थे, इसका चलो पढ़ेगी पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी ना सी। तो ये माहौल था। मुझे बड़ी खुशी है कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट के बराबर हो गए। वही सम्मान समारोह में विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा मौजूद थे। साथ ही दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय भी मौजूद रहीं। कई सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन स्वाति मालीवाल जी और DCW द्वारा किया जा रहा है। मुझे कई सालों से बुला रही थी, पर किसी ना किसी चुनाव के चलते, किसी जिम्मेदारी के चलते मैं आ नहीं सका। आज मैं दिल्ली में था तो मुझसे रुका नहीं गया। मैंने कहा मैं ज़रूर इस कार्यक्रम में आकर अपनी भागीदारी भी दर्ज कराऊंगा। और सबसे पहले DCW ने जो शानदार काम पिछले कुछ सालों में करके दिखाया है, उसके लिए DCW के एक एक सिपाही को, सबको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है स्वाति मालीवाल जी की अध्यक्षा बनने से पहले दिल्ली के आम नागरिकों को DCW क्या है, महिला आयोग कुछ होता भी है कि नहीं होता, उसकी क्या शक्ति होती है, क्या काम होता है, क्या उसका अधिकार क्षेत्र होता है, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे कहा जाता है दैट अ पर्सन डिफाइंस द ऑफिस दैट ही और शी होल्ड्स, उस चीज को सिद्ध करके स्वाति मालीवाल जी ने दिखाया है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयां उनको। आज के इस कार्यक्रम में जिन जिन हाई अचीवर्स को, महान शख्सियतों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं फॉर देयर अकम्पलिशमेंट, जो जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल किया है, और खास तौर पे सामाजिक कार्य में जो जो चीज़ें हासिल कर रही हैं, जो जो अचीवमेंट्स उनके हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। हालांकि मैं इस बात में बहुत विश्वास रखता हूँ कि साल में कोई एक दिन नहीं, साल के सारे दिन वुमेंस डे के तौर पे मनाने चाहिए, लेकिन अब जब एक 365 दिन में से एक दिन को चुना गया है इस सेलिब्रेशन के लिए, तो उस एक दिन के लिए यहाँ बैठे जितने भी पुरुष हैं, जितनी महिलाएं हैं, सबको मेरी ओर से इंटरनेशनल वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। DCW ऐसे ही शानदार काम करता रहे। मुझसे पहले अभी यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने भी आपसे अपने विचार साझा करे, और मुझे बताते हुए खुशी है, और हम सब बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, एक ऐसी सरकार का हिस्सा हैं, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में महिला सशक्तिकरण हो, महिला सुरक्षा हो, लिमिटेड अधिकार क्षेत्र होते हुए भी बहुत काम किए। जब मुझे भी दिल्ली में विधायक बनने का मौका मिला था तो मैंने बड़ी करीब से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम किया, और मुझे
बीटीसी के अंदर बस मार्शल से लेकर दिल्ली के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो, हर लिहाज में 360 डिग्री वर्क जो विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन सिक्योरिटी पे किया गया उसका हिस्सा होने का मौका मिला। और मेरी ओर से अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली सरकार को भी बहुत बहुत बधाई फॉर द एक्सलेंट आउटस्टैंडिंग वर्क दैट दे हैव डन। In the end, I will once again congratulate all of you, all the awardees today for this fantastic achievement that you all have accomplished in your life, and my best wishes to each one of you. मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपने काफ़ी महिलाओं को अवार्ड दिया है, क्या महिलाओं को संदेश आप देना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी उन महिलाओं को जो आज DCW ने जो सबको सम्मानित करा, अलग अलग क्षेत्र से ये महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी और ये हम सब के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। वो पहले का ज़माना था जब महिलाओं को इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता था, अलग नज़रिए से जो हमारा समाज उनको देखता था, बहुत सारे बैरियर्स थे। पर आज की अगर हम बात करें तो जेंडर इक्वलिटी का ज़माना है, वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है। नगर निगम में आप क्या क्या चेंजेस करेंगी आप महिलाओं के लिए, जिस तरीके से आप चुनाव में अब आगे आई हैं और क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या देखने को मिलेगा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी नीतियों ने हमेशा महिलाओं को बढ़ावा दिया है, महिला सशक्तिकरण को समर्थन दिया है। और मुझे लगता है बीइंग अ वुमेन, मुझे भी ये मौका देकर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ये दिखा दिया है कि महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे आ सकती हैं और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी को दे सकती हैं। इस दौरान दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनको इस पीड़ा से उनकी माँ, मौसी और उनकी नानी ने उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि ऐसे बुरे वक्त में उनके रिश्तेदार उनके काम आए। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की तरफ से अवार्ड पाने वाले सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपने ऊपर होने वाले किसी भी अत्याचार या किसी भी तरह के शोषण को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। शोषण कोई घर का व्यक्ति करे या बाहर का, उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए। आज इतने अच्छे अच्छे अवॉर्डीज हमारे बीच में हैं और उन सब से मैं बहुत सीख रही हूँ और मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा आज ऊर्जा आई है और मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम उन्हें क्या सम्मान देंगे, वो अपने आप में इतने सम्मानित हैं और हमारे मंच पर आकर मुझे लगता है उन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया है, तो मैं उन सब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से that today's experience, today's day is very valuable for me. और मैं जब घर जाऊंगी, I think I'll be more powerful, I'll be more strong, I will be more beautiful, and I think the same will be for everybody who's attended this award ceremony. वहीं इस कार्यक्रम में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के एडिटर इन चीफ मारूफ रजा भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए सभी लोगों को संबोधित किया और हमें किस तरह सिर्फ एक ही दिन नहीं हमेशा एक महिला को सम्मान देना चाहिए इसके बारे में बात की और कई महिलाओं को उन्होंने सम्मानित भी किया। जिस तरीके से आप लोगों ने काम किए हैं और जिस तरीके से आपको नवाजा जा रहा है, बड़े भाई साहब बैठे हैं उनके सामने कहना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, महिलाओं को लेकर के कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालूंगा। तो जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में वो कोशिशें की हैं, उन दायरों को, उन दहलीजों को तोड़ा है, उन रिवायतों को तोड़ा है और यूं कहूं कि उन तमाम रूढ़िवादी चीज़ों को छोड़ा है, तब जाके कहीं महिला आयोग ने उनको पहचाना है, उनकी यूं कहूं कि खूबियों को पहचाना है और आज अपने पास बुला करके उनके उन कामों को सम्मानित किया है। तो सही मायनों में उनके कामों को सलाम है और जिस तरीके से महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग काम कर रहा है वाकई बहुत सराहनीय है। स्वाति जिस तरीके से औचक निरीक्षण करती है, पहुंचती है, रिस्क लेती है, वो अपने आप में दर्शाता है कि एक महिला महिला के दर्द को लेकर के वाकई चिंतित है। वो सिर्फ दिखाती नहीं है, बताती नहीं है, बल्कि खुद मौके पर पहुंच करके उसका निपटारा करने की कोशिश करती है। तो मैं कहूँगा कि स्वाति और महिला आयोग दिल्ली की जो है
वाकई इन तमाम कामों के लिए सराहनीय कदम उठा रहे हैं और यूं कहूं कि उनके इन कामों के वजह से ही आज दिल्ली में जो है महिला सशक्तिकरण देखने को मिलता जरूर है। मैं चाहूँगा कि बाकी प्रदेश का जो महिला आयोग है वो इनसे प्रेरणा ले और ख़ासतौर से जो नेशनल वुमेन कमीशन है वो भी प्रेरणा ले ताकि महिलाओं को उनका स्थान सही मायनों में। इस कार्यक्रम में 94 साल की स्प्रिंटर भवानी देवी डागर खास मेहमान थी। वो फिनलैंड में भारत का नाम रोशन करके लौटी हैं। साथ ही उन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते हैं। इसमें 100 मीटर दौड़ में गोल्ड, डिस्कस थ्रो और गोला फेंक में ब्रॉन्ज जीता है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन का थैंक यू बोलना चाहूँगा, साथ ही स्वाति मालीवाल मैम का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा जो इन्होंने दादी जी को यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अवार्ड से शायद इनका मनोबल और बढ़ेगा और आने वाले टाइम में ये और अच्छा करके देश का नाम रोशन करेंगे। इनकी काफ़ी एज हो गई है और इस तरीके से अवार्ड मिलना, कितनी प्रॉब्लम्स होती है और कैसे वो उनको फेस करते हुए आगे बढ़ रही हैं? देखिए, चूँकि एक ये स्पोर्ट्समैन है और लास्ट एक साल से ये अपना स्पोर्ट्स कैरियर करती आ रही हैं, एक साल पहले इन्होंने पहला स्टेट खेला था अपना पिछले अप्रैल में, अभी तक ये 6 नेशनल मेडल और 6 स्टेट गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और 3 इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी हैं। लास्ट ईयर इन्होंने 24.74 सेकेंड में 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अभी आने वाले टाइम में 24 तारीख को इनको पोलैंड जाना है खेलने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, तो उम्मीद करता हूँ वहाँ पे भी ये मेडल जीत के देश का नाम रोशन करेगी। जहाँ तक तकलीफ की बात है तो उम्र के हिसाब से थोड़ा सा हमें भी थोड़ा केयर करने की ज़रूरत होती है और ये खुद भी जब से स्पोर्ट्स से जुड़ी है खुद भी अपना केयर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से करती हैं। कैसे आपको फील हुआ जो अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इनको और आगे बढ़ावा दिया जाए, कैसे आपको फील हुआ? पिछले साल जब ग्राउंड में एक दिन जब हमारे पास शॉट पुट था तो हमने इनको शॉट पुट दिया था तो इन्होंने वो 4-5 बार फेंका ग्राउंड में, तो फेंकने के बाद इन्होंने कहा कि ये शॉट पुट तो मैं फेंक सकती हूँ, तो तभी मेरे को लगा कि जब मैंने वो मेजरमेंट किया तो वो नेशनल रिकॉर्ड था इनकी उम्र में, तो तभी से मैंने सोचा कि जब इतना ये अभी अचीव कर रही हैं तो अगर इनको थोड़ा बहुत ट्रेन करेंगे तो आने वाले टाइम पर ये ज़रूर इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करेगी, बस तभी से सोचा और ग्राउंड में लेके गए। देश की महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? इतने आपको अवार्ड्स मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप आई हुई हैं, क्या आप कहना चाहेंगी, कैसे प्रोत्साहित करेंगी और महिलाओं को? यही वाला संदेश, सबको खेलो कूदो पढ़ो लिखो, क्या मैसेज देंगी आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ बेटे खेलो कूदो भूल जाओ, पढ़ो लिखो बनोगे नवाब और दूसरे देश में अपने बच्चों को खूब खिलाओ, दौड़ करवाओ, दूसरे देश में जाओ और मेडल जीत कर जाओ, अपने देश को रोशन करो। वहीं कंझावला की दर्दनाक घटना की जानकारी सबसे पहले पुलिस को देने वाले और लगातार अंजलि को बचाने का प्रयास करने के लिए दीपक कुमार को भी सम्मानित किया गया। साथ ही दिल्ली महिला आयोग ने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले ट्रांसजेंडर्स के एक ग्रुप को भी सम्मानित किया है। आपको अवार्ड मिला है, कैसा आपको फील हो रहा है? ये हमारा पहला अवार्ड नहीं बट दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सम्मान हमारा किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। इससे पहले हम कांस तक गए और कांस के बाद हमारे पास अवार्ड की लाइन लग गई है और कोई पराया देश हमें सम्मानित करता है ये बहुत बड़ी बात है ही, लेकिन अपनी माँ अपना देश जब सम्मान करता है वो जो सम्मान है उसके कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, तो आज हम हमारा जो प्राउड है वो शब्दों में आपको बयान नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या लग रहा है, ये स्पीचलेस है। बिल्कुल, ये स्पीचलेस होता ही है और बिल्कुल अपना देश जब सम्मान करे तो बात ही कुछ अलग होती है। और भी दिल्ली सरकार से और भी आपको क्या कुछ और भी आप चाहते हैं और क्या कुछ आप चाहते हैं, जिस तरीके से अभी आपको अवार्ड मिला है कैसे और भी चीज़ों को आप बढ़ावा देना चाहते हैं इसको लेकर? जी, हम यही चाहेंगे कि हमें अवार्ड मिलता रहे, हमें सम्मान भी मिलता रहे, अवार्ड के साथ में किन्नरों को कोई अलग नज़रिया से देखा जाता है तो लोगों की किन्नरों को जो देखने की नज़रिया है वो अभी भी कहाँ कमी लग रही है आपको? कहीं कहीं पे है ऐसी कमी, कई सारी त्रुटियां हैं, ऐसे कई सारे तबके हैं जहां पे हमें अभी तक सरकार ने जितना योगदान देना चाहिए उतना योगदान नहीं दिया है। सरकार ने हमारे लिए एक पहल शुरू करी, समाज के मुख्य धारा प्रवाह में हमें शामिल करने की कोशिश जारी की है, लेकिन वो कोशिशें अभी तक कोशिशें ही हैं, उसमें सही तरीके से अमल अभी तक
हर जगह पे नहीं हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस कार्यक्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम ऑफिसर्स हमारे साथ हैं, हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है मैम, आपको अवार्ड मिला है? मैम बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। दिस इज़ वन ऑफ दी फीट दैट एवरीवन वुड विश फॉर कि ऐसे मोमेंट सबकी ज़िंदगी में आए। एंड हम एक्चुअली में बहुत लकी हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे एफर्ट्स को और हमारे मेहनत को सराहा गया है और हमें इस तरह का अवार्ड मिला है। इस मुकाम तक आप पहुँची हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? मैम स्ट्रगल तो आई थिंक हर किसी की लाइफ में रहता है एंड आई एम श्योर हर कोई स्ट्रगल करके ही पहुँचा है, तो ऐसा अलग से स्ट्रगल तो आज स्ट्रगल के बाद अवार्ड मिल रहा है तो एक खुशी अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी है एंड बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है कि एटलीस्ट एक कहीं किसी जगह पे हम पहुंच पाए एंड आई होप वी विल बी एबल टू इंस्पायर सर्टेन, लाइक हम भी किसी को देख के इंस्पायर हुए थे, प्रॉब्ली हमारे को देख के कोई और इंस्पायर होगा, तो दैट वुड बी वन थिंग दैट विल मेक अस फर्दर मोर प्राउड एंड थैंक यू टू द सर्विस, थैंक यू टू द नेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगी देश की महिलाओं के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मेरी बेटी चांदनी भटनागर को जो अवार्ड मिल रहा है उससे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि देश की हर महिला ऐसे ही आगे बढ़े और हमारे देश का नाम। एक बेटी को उस मुकाम तक पहुँचाने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा एक माँ के हिसाब से, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे लिए माई होती हैं जो हमारे पीछे खड़ी होती हैं, तो कितना स्ट्रगल पड़ी रहा? मैं इसे स्ट्रगल नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी बेटी को इस मुकाम तक लेकर आऊँ और आज मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं इस बात में सफल हुई हूँ। आपसे बात करना चाहूँगी, कैसा लग रहा है अवार्ड मिला है? इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिप्रेजेंट कोस्ट गार्ड इन दिस फोरम। और महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आई हैं तो क्या कुछ है? एक्चुअली नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, वी मतलब इट इज़ नॉट लाइक विच वॉज 10 years बैक, नाउ द थिंग्स आउटसाइड इज मच मच बेटर, इवन एट नाइट वेन वुमेन और गर्ल्स कम आउट दे फील सेफ, द थिंग्स आर चेंजिंग डे बाई डे। क्या पहले जो 10 से 15 साल पहले जो हम महिलाओं को देखते थे जहां महिला जॉब करने के लिए भी बाहर नहीं निकल पाती थी और अब एक महिला निडर होकर जॉब के लिए बाहर निकल रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी? या सर्टेनली थिंग्स हैव चेंज एंड इन नियर फ्यूचर इट विल बी मच मच बेटर। क्या कहना चाहेंगी, अवार्ड मिला है आपको? येस आई हैव बीन अवार्डेड टुडे, दिस इज़ अ बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एंड वुड लाइक टू डेफिनेटली थैंक इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी फॉर रिप्रेजेंटिंग नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो आर कंट्री वेर इन वी हैव डन ईच एंड एवरी थिंग इन द नेशनल इंटरेस्ट। एक महिला को जब अवार्ड मिलता है, चाहे वो ऑफिसर्स हो या कोई भी तबके की महिला हो, बहुत ही ज़मीन से आसमान तक का वो एक सफ़र रहता है, बहुत एक लंबा स्ट्रगल पीरियड रहता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? क्योंकि बहुत कुछ जूझती है एक महिला वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसके बैक में बहुत कुछ बहुत लोग होते हैं, उसको पीछे करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी? बस यही कहेंगे कि जितने भी हमारे को सपोर्ट मिला हमारे हस्बैंड से हमारे मदर से, वैसे ही अगर लगातार बना रहे तो आई थिंक सो जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हमसे प्रेरित होगी और आगे जाके आज हमने अवार्ड लिया है वो फिर नेशनल अवार्ड और फिर वो इंटरनेशनल अवार्ड अब अचीव करेंगे। आपको भी अवार्ड मिला है, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और क्या कहेंगे, कितनी खुशी है मन में? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई सर्विस इंडियन कोस्ट गार्ड एज वेल एज टू माई नेशन, डेफिनेटली टू माई फैमिली मेम्बर्स, एंड दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल वुमेन नॉट ओनली हू हैव गॉट द अवार्ड टुडे। मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ अवार्ड मैटर नहीं करता, हर वुमेन अपने आप में, हर एक औरत अपने आप में एक प्रेरणा है सबके लिए। आप अपने हर अपॉर्चुनिटी का अगर आप इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि आप हर दिन एक अवार्ड जीत सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मनाया जा रहा है, सिर्फ एक दिन महिलाओं को सम्मानित करना, क्या ये सही है? महिलाओं को तो हमेशा सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा भगवान की बात करें या कहीं महिलाओं का नाम आगे लिया जाता है और हमेशा महिलाओं को आगे प्रेरित किया जाता है, तो क्या एक दिन महिलाओं को सम्मानित करना? नहीं, मेरे हिसाब से 365 दिन हमारे हैं और हमारे अपने हैं, और शायद वो 365 दिन की मेहनत से आज हम सबको ये दिन सेलिब्रेट करने को मिल रहे हैं, जहां कुछ अचीवर्स को अवार्ड मिला है, जो कुछ रह गए हैं उनको अपने तरीके से अवार्ड मिला होगा। सेकंड थिंग विच आई वुड लाइक टू से, एक बर्थडे होता है वो स्पेशल डे होता है, सो दिस इज़ अ स्पेशल डे फॉर अस एंड वी आर गोइंग टू रॉक एंड वी आर रॉकिंग एज द वुमेन ऑफ आर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ ऑफिसर्स थी, तमाम ऑफिसर्स, और तमाम तरीके की उन्होंने अपने स्ट्रगल पीरियड हो गया या तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस कार्यक्रम में हम मौजूद हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से एक स्ट्रगल पीरियड होता है उनको भी उन्होंने साझा किया है, और साथ ही
आज इन सबको सम्मानित किया गया है तो इसके लिए भी काफ़ी उत्साहित वो नजर आई। मैं कैडेट कॉर्पोरल साक्षी कौशिक, मैं 2DGJS एयरविंग यूनिट की कैडेट हूँ और मुझे ये अवार्ड मेरे NCC कैंप्स में, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो NCC कैंप्स में भी मैंने मेडल कई दिलाए हैं अपनी यूनिट को और अपने कैडेट्स को, साथी कैडेट्स को, और ये अवार्ड भी मुझे, नेशनल लेवल की शूटिंग करती हूँ मैं तो इसलिए मेरा इधर सिलेक्शन हुआ था इस अवार्ड के लिए। जय हिंद एवरीवन, दैट्स ऑल। एक कैडेट हमेशा एक कैडेट ही रहता है चाहे वो कहीं पहुँच जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अवार्ड मिल रहा है आपको, कितनी खुशी है मन में और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, वर्किंग इन डिफेंस सेक्टर, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हम सब में, हम सबके पास एक एम है, एक गोल है, एक पैशन है, हम अगर उसकी तरफ हार्डवर्क करें, डेडिकेशन दिखाएं, पैशनेट रहें तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरे जितने भी सुपीरियर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माय DG टू माय OC, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको सपोर्ट ना हो अपने सीनियर्स का, आपके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट ना किया जाए। ये स्ट्रगल पीरियड जो आपका रहा है, इतने लंबे सफ़र के बाद ये मुकाम मिलना, ये अवार्ड मिलना, सम्मानित करना, ये कैसा रहा है? मतलब एक महिला काफ़ी चीज़ों को देखते हुए, सहते हुए आगे बढ़ती है। एक औरत में बहुत शक्ति होती है कि वो किसी भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को का एक पॉजिटिव आउटकम ला सकती है। दिस इज़ इन अस, हम सब में है वो, चाहे वो मेरे सेक्टर में हो या फिर किसी भी वर्किंग वुमन के लिए हो या फिर घर पे हमारी मॉम्स के लिए हो या फिर कहीं पे भी जो भी जॉब कर रहे हैं, हम लोग हर चैलेंजिंग सिचुएशन को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम में आप आई हैं, सिर्फ एक दिन महिलाओं को सम्मानित करना और जो बाकियों के दिन हैं, मेरा ही मानना है बाकी हर दिन महिलाओं के लिए होते हैं, तो सिर्फ एक दिन उनको बुलाना और सम्मानित करना, इस पर क्या कहेंगे आप? हम औरतें आई थिंक आज इस सेंचुरी में तो एवरी डे वी आर सेलिब्रेटेड, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एवरी डे वी आर सेलिब्रेटेड, हमें इतने अपॉर्चुनिटीज़ दिए जा रहे हैं, हमें बुला बुला के अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि हाँ ये तू कर सकती है। अगर मुझे भी एक टाइम पे शक होगा कि क्या मैं कर पाऊँगी, लेकिन नहीं, बोला जाता है कि हाँ ये तू कर सकती है, तो अप्रिशिएट तो हमें एवरी डे करते हैं, रिकग्नाइजेशन ऑब्वियसली एवरी डे नहीं दे सकते, तो इसके लिए वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। इंडियन हैबिटेट सेंटर पर हम इस वक्त मौजूद है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, साथ ही दिल्ली की मेयर शैली ओबराय भी यहां पर मौजूद रही, तमाम महिलाओं को यहां पर सम्मानित किया गया। सोनाली ठाकुर, कैमरामैन सरताज के साथ, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।